हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको सब सभी को पता है कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ऑलरेडी रिक्रूटमेंट आ गई है और उसका फॉर्म फिलअप भी चल रहा है। तो मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं टॉप 50 वन लाइनर्स फॉर रिगार्डिंग द पोस्ट पेस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉटन फॉर डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डिस्कस करूँगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आप में से कोई भी ये डिटरमाइंड हो कि इस जॉब को आपको सिक्योर करना ही है, आप डिटरमाइंड हो, कंसिस्टेंट आपको परफॉर्म करना ही होगा, इंश्योर करना चाहते हो इसका आपका सिलेक्शन, तो एग्रीकल्चर एंड जीके आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कि क्वेश्चन बैंक्स इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इन द पीडीएफ फॉर्म्स फॉर्मेट, वीडियो लेक्चर्स रिगार्डिंग द सीसीआई एग्जाम एंड ऑल्सो कुछ मटेरियल जैसे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके और जीएस और इंग्लिश पार्ट के भी, तो ये सबको मिल जाएगा अंडर 799 रुपीज में। तो आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो तो इसी स्क्रीन पे गिवन जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉटन की जो पेस्ट है उसके पहले मुझे हम लोगों को पता चलना चाहिए कि कॉटन के इंडिया में टोटल टू टाइप का कल्टीवेटेड वेराइटीज है। जो एक है देसी कॉटन, वो उसका साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम अर्बोरियम और अमेरिकन कॉटन, और गॉसिपियम हिर्सुटम साइंटिफिक नेम और बोटानिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इस टॉपिक से ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग में रहता है तो आपको आसानी से अगर पढ़ोगे तो याद भी रहेगा, तो आपका स्कोर भी बहुत ज़्यादा कर पाओगे। तो मैं ये अभी आज का क्लास बहुत स्ट्रेटेजिकली मैं प्रिपेयर किया हूँ कि जैसे आपको दिमाग में आसानी से याद हो जाएगा। तो ये है कॉटन का, ये है सीड, ये है कॉटन बॉल, ये लीफ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट बेस्ड अपन फीडिंग हैबिट्स, तो इसको हम लोग कर सकते हैं ओलिगोफेगस, मतलब जो पेस्ट फीड ऑन डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करेगा मगर फैमिली सेम होगा। पॉलीफेगस मतलब जो इंसेक्ट और पेस्ट जो है वो डिफरेंट स्पीसीज में भी फीड करेगा, बिलोंगिंग टू डिफरेंट फैमिली। ओलिगोफेगस का सेम फैमिली का डिफरेंट स्पीसीज और पॉलीफेगस होगा डिफरेंट फैमिली का डिफरेंट स्पीसीज, तो मतलब इसका वाइड होस्ट रेंज है। और मोनोफेगस जो पर्टिकुलर कोई एक स्पीसीज का प्लांट को फीड करेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट ऑफ कॉटन बेस्ड अपन ऑकरेंस ऑफ सीजनलिटी, मतलब कितने बार अराउंड द ईयर थ्रू आउट द ईयर होता रहता है, तो इसके ऊपर विचार करके हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं अर्ली स्टेज, मिड स्टेज, लेट स्टेज। मतलब जो अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल जो है कल्टीवेशन टाइम कॉटन का, उसके हिसाब से अर्ली स्टेज में होता है जैसिड, वाइट फ्लाई, एफिड, थ्रिप्स। मिड स्टेज में स्टेम वीवल, लीफ रोलर, ग्रे वीवल। लेट स्टेज में पिंक बॉल वर्म, स्पॉटेड बॉल वर्म, अमेरिकन बॉल वर्म, रेड कॉटन बग, डस्टी कॉटन बग, ये सब हो जाएगा लेट स्टेज में। लिस्ट ऑफ पेस्ट ऑफ कॉटन एंड देयर ऑर्डर्स, मतलब कॉटन का जितने भी सारे पेस्ट है उसका ऑर्डर भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है। तो लेपिडॉप्टरन से होगा पिंक बॉल वर्म, स्पॉटेड बॉल वर्म, अमेरिकन बॉल वर्म, लीफ रोलर। हेमिप्टेरा से होगा जैसिड, व्हाइट फ्लाई, एफिड, रेड कॉटन बग, डस्टी कॉटन बग। कोलियोप्टेरा से होगा स्टेम वीवल, ग्रे वीवल, ग्रे वीवल, और भी सॉयल पेस्ट नाम से भी इसको जाना जाता है, थाइसोनोप्टेरा, मतलब थ्रिप्स। तो इसी करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं कि लिस्ट ऑफ पेस्ट ऑफ कॉटन एंड द इन्फेस्टेड प्लांट पार्ट्स, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही पर्टिकुलर प्लांट पार्टी इन्फेस्टेड हो रहा है, नहीं, इंसेक्ट उसके फूड हैबिट के हिसाब से कोई ना कोई पर्टिकुलर प्लांट पार्ट को इन्फेस्ट करता है। तो जैसे जो लीफ और टेंडर शूट्स को जो सब पेस्ट इन्फेस्ट करते हैं उसके एग्जाम्पल्स हो जाएगा, उन सभी का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसिड, व्हाइट फ्लाई, एफिड, लीफ रोलर, थ्रिप्स। जो स्टेम को इन्फेस्ट करते उसमें एग्जाम्पल हो जाएगा स्टेम वीवल। मैं अच्छे से पिक्चर्स भी दिया हूँ, क्योंकि अगर पिक्चर्स से आप देखोगे तो साथ ही साथ आपको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट भी होगा, आपको मेमोराइज करने में भी थोड़ा मजेदार हो जाएगा। तो ये है लीफ रोलर लार्वी फॉर्म का, जैसे आप पता है जो लीफ है वो रोलिंग टाइप हो जाएगा, रोल कर देगा। तो ये स्टेम वीवल
उसके बाद आ जाएगा सीड। अगर सीड में सीड को अफेक्ट करते हैं, ये हो जाएगा पिंक बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, अमेरिकन बॉलवर्म, रेड कॉटन बग एंड डस्की कॉटन बग। तो ये मैं थोड़ा एक ब्रीफ पिक्चर भी दिया हूँ। बॉल क्या है देखो, बॉल है एक्चुअली जो कॉटन का जो फ्रूट, उसको ही हम लोग बोलेंगे बॉल। बॉल में ही होता है लॉक्यूल्स में, बॉल में जो लॉक्यूल्स है उसमें सीड होता है, इससे कॉटन प्लांट ग्रो करता है। और जो बार बार मतलब जो सेल होता है उसको, उसको मतलब साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं हम लोग बर्ड। और जो और दूसरे कोई भी और एक जो टर्म आएगा मैं बाद में आप लोगों को बोलते जाऊंगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पेस्ट है। तो पहले सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉटन स्टेनर, मतलब जो कपास का, कपास का आपको पता है कॉटन से हम लोग जो कपास का आप लोग सूती का जो कपड़े पहनते हो वो सब कॉटन से होता है। तो उसको जो उसका वो व्हाइट कलर का होता है, एक फ्लफी पार्ट होता है, जैसे आप पिक्चर में भी पहले आप देख रहे हो कि व्हाइट फ्लफी टाइप का हो जाता है कॉटन। तो जब स्टेनिंग मतलब कुछ ना कुछ कलर आ जाता है, कुछ धब्बा या लाल दाग स्टेनिंग आ जाता है, इसके पेस्ट होता है रेड कॉटन बग, डिसडर्का सिंगुलाटस एंड डास्की कॉटन बग, जो ऑक्सीकैरनस हेलिनी पेनिस। तो ये दोनों का एक होता है रेड कॉटन बग, जो पिक्चर पर देख सकते हो, तो इसका एक कलर है, और डास्की में ये कलर होता है, थोड़ा अलग से मतलब कलर वाइज भी अलग से होता है। तो इसका इन्फेक्टेड स्टेजिंग जो होता है, मतलब एक नीम्फ और एडल्ट, ये दोनों ही स्टेज में रेड और डास्की कॉटन बग अटैक करते हैं कॉटन में। और ये दोनों क्या करते हैं लीफ में, जैसे हम पहले में लिस्ट में बोले लीफ पार्ट को अटैक करते हैं, लीफ या सीड ये सब को। तो जैसे हम लोग एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कौन कहाँ पर इन्फेक्ट करते हैं। जैसे देखिए रेड कॉटन बग डस्की कॉटन सीड में अटैक कर रहा है। तो अब आ जाते हैं इन्फेक्टिंग स्टेज ऑफ द पेस्ट नीम एडल्ट। अब हो जाएगा मोड ऑफ डैमेज, कैसे डैमेज कैसे कर रहा है, कि क्या करती है सैप, जो कर्नल सीड कर्नल में जो सैप रहते हैं, जो न्यूट्रिएंट रहते हैं उसको सब कर लेता है, क्योंकि ये हेमिप्टेरा से होता है, ये फूडिंग हैबिट ऐसे ही होता है। इसके लिए बॉल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाता है, और जो यंग बॉल्स एबॉर्ट, एबॉर्ट मतलब शेडिंग हो जाता है, वो डेथ हो जाता है, रॉटिंग हो जाता है, ऐसे करके क्यों करते हैं। अब सिम्टम्स में क्या कहते हैं, रेड कॉटन बग हो तो जो स्टेनिंग हो जाएगा कॉटन, जो व्हाइट कलर का कॉटन में रेड स्टेनिंग हो जाएगा। तो अगर ये डास्की कॉटन बग से हो रहा है तो ये ब्लैक लिंट हो जाएगा फाइबर, कॉटन फाइबर में, और जो उसके साथ ही साथ बॉल में भी रॉटिंग हो जाता है, तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट दोनों ही के सेम है कि फॉस्फामिडोन 100 इमासेफेबल्स कंसेंट्रेशन एट द रेट 250 मिलीलीटर पर हेक्टर के हिसाब से हम लोग उसको स्प्रे करेंगे। और की पॉइंट में हम लोग ये मेंशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, जैसे क्यों कैसे कर रहे हैं कि निमाटोस्पोरा गॉसिपी, ये एक बैक्टीरिया है, वो एंटर्स द साइट ऑफ द इंजुरी, मतलब जहां से ये नीम्फ एडल्ट जो कट किया था उससे एंटर करते हुए बैक्टीरिया स्टेन द फाइबर इन द गिनिंग फैक्ट्रीज, मतलब जहां से हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं कॉटन कपास कपास को, व्हेन इट क्रस्ट विद द कटर। तो इसके साथ स्टेनिंग आ जाता है फाइबर में, हम लोग यूज नहीं कर सकते, मार्केट वैल्यू डैमेज हो जाता है। अब हम जाते हैं कॉटन के मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट में, ये होता है पिंक बॉलवर्म, पेक्टिनोफोरा गॉसिपियल, ना पिक्चर से भी देख सकते हो कुछ थोड़ा पिंकिश कलर आ जाता है ब्लॉचेस की तरह। तो इन्फेक्टिंग स्टेज इसका क्या हो जाएगा, लेपिडोप्टरा से, तो उसका लार्वा मतलब जो हेमिप्टेरा से, उसका हम लोग बोलेंगे नीम, जो मैच्योर स्टेज होगा डेवलपमेंटल का, अगर लेपिडोप्टरा ऑर्डर से आएगा तो उसका हम लोग बोलेंगे लार्वा। लार्वा का पर्टिकुलर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पिंक इन कलर एंड इनसाइड ये फाउंड होता है फ्लावर बार्ड और जो कॉटन बॉल्स है उसके अंदर। और डैमेज ये कैसे करते हैं, ये भी सीड कर्नल को फिट करता है, इसी हिसाब से जो व्हाइट कलरेशन है, क्योंकि पिंक आप देख भी रहे हो स्क्रीन पे, तो उसका भी लिंट कलर डिसकलर हो जाता है, और उसी साथ जो फ्रूटिंग बॉडी है उसके एक्सेसिव शेडिंग हो जाता है। इसका सिम्टम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये दो सिम्टम्स है रोजेटी फ्लावर्स एंड डबल सीड फॉर्मेशन। रोजेटी फ्लावर जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इसी तरह का जो फ्लावर हो जाता है रोजेटी टाइप, ये एक होता है। डबल सीड फॉर्मेशन क्या होता है, जब हम लोग पहले बोले इंटरलॉक्यूल लॉक्यूल में जो सीड रहता है, ये एडजॉइनिंग जो सीड से उसका जो इंटरलॉक्यूलिंग जो बरोइंग होता है, मतलब लार्वा और एडल्ट जब इन दोनों में कट करते विंडो होल्स करते हैं, तो ये दोनों सीड एक साथ मिलकर एक डबल सीड फॉर्मेशन टाइप का एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये दो प्रोमिनेंट सिम्टम। अब इसका हो जाएगा मैनेजमेंट कैसे कर सकेंगे, फेरोमोन ट्रैप है,
इसके अलावा बिसाइड्स हम लोग बीटी कॉटन वेराइटीज यूज कर सकते हैं। फेब्रवरी के एंड में डीप प्लाइंग कर सकते हैं, प्लांट डेप्थ इसको बर्निंग। और दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम लोग यूज कर सकते हैं एक पैरासिटॉइड लाइक ट्राइकोग्रामाटोइडी बैक्ट्री एंड ब्रेक ऑन ग्रेनी ये, और चेरोना स्पेक्टिनोफोरा हम लोग एज लार्वल पैरासिटॉइड। अच्छे से ध्यान से पढ़े ना, ये सबसे क्वेश्चन आता रहता है। आईपीएम तो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट में। तो ईटीएल जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इसको हम लोग कैसे कंसिडर कर रहे हैं कि अगर 10% शूट्स पर बॉल डैमेज होता है, मतलब बॉल पर बॉल्स में जितने भी शूट्स का डैमेज हो रहा है, अगर 10% तक वो जा जाता है डैमेज डैमेज परसेंटेज, तब हम लोग उसको इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल बोलेंगे। अब आ जाता है सेकेंड जो सीरियस पेस्ट है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है पिंक बॉलवर्म डैमेजिंग कवरेज से। अगर सीरियस और एक सीरियस पेस्ट होगा स्पॉटेड बॉलवर्म और स्पाइनी बॉलवर्म, तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो स्पॉटेड बॉलवर्म के लार्वी। इसके बोटा साइंटिफिक नाम हो जाएगा यारियास इंसुलेना और वाइडेला, दोनों हैं, दोनों स्पीशीज है। तो इन्फेक्टिंग स्टेज इसका होगा लार्वा प्यूपा एंड एडल्ट। तो एडल्ट हो जाएगा कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ब्लैक स्पॉट्स इन बॉडी लॉन्गिट्यूडिनली एंड मोड ऑफ डैमेज, ये भी उसी तरह सेम है क्योंकि लेपिडोप्टर ऑर्डर से है, तो इसका भी सेम टाइप का होगा। सीड कर्नल में पहले फिट करेगा, उसके बाद साथ ही साथ कलर कलरेशन डिसकलरेशन हो जाएगा, और जो फ्रूटिंग बॉडीज है उसके एक्सेसिव शेडिंग हो जाएगा। तो इसका सिम्टम्स, मेजर सिम्टम है फ्लेयर स्क्वायर। फ्लेयर स्क्वायर जैसे आप स्क्रीन में बहुत अच्छे से देख सकते हो, ये फ्लेयर स्क्वायर है। एक्चुअली क्या है, जैसे आपको टर्म्स बहुत अच्छे से समझना होगा। फ्लेयर मतलब जो अचानक से सडनली अगर कोई कोई भी सिम्टम्स अपियर होता है तो उसको फ्लेयरिंग फ्लेयर अप फ्लेयर बोलते हैं। और स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर होता है जो फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बार्ड है ना, फ्रूटिंग बॉडी फ्रूटिंग बार्ड, मतलब फ्लेयर के स्क्वायर पहले मैच्योर होगा, उसके बाद ब्लूमिंग टाइम में फ्लावर होगा, उसके बाद फ्लावर में जब पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलिनेशन के साथ साथ हम लोग का जो कॉटन बॉल मतलब जो फ्रूट कॉटन का जो फ्रूट वो आएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे फ्लेयर स्क्वायर, मतलब जो टर्मिनल बड में लेटरल ब्रांचेस में जो टर्मिनल बड रहता है जिससे फ्लावरिंग होता है, तो फ्लावर डेवलपमेंट होता है, उसका ही अचानक से वो शेडिंग हो जाता है। उसको हम लोग बोलेंगे फ्लेयर स्क्वायर, जैसे पिक्चर में देख सकते हो। मैनेजमेंट क्या है इसका, मैनेजमेंट बीटी वेराइटी का, बीटी कॉटन वेराइटी का, जैसे आपको पता है बीटी मतलब बैसिलस थुरिंजियंसिस, उसका अगर कोई भी वेराइटी हम लोग यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंटली सेरफर कर्स्टकी कॉटन वेराइटी, और इंसेक्टिसाइड कार्बराइल इफेक्टिव है, कार्बराइल का 5% पे हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका भी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल इंपॉर्टेंट है, इसका है 10% शूट्स पर स्क्वायर्स पर बॉल डैमेज, क्योंकि इसका स्क्वायर मतलब प्री फ्लावरिंग से ये प्री ब्लूमिंग स्टेज ऑफ फ्लावरिंग स्टेज से ये इसका इन्फेस्टेशन आ रहा है, इसका डैमेज हो रहा है, तो इसके हिसाब से पर स्क्वायर पर बॉल्स डैमेज होगा। तो इसका इसके हम लोग क्या बोलेंगे कि जो जो हम लोग बोल रहे हैं कि प्री फ्लावरिंग से ही डैमेजिंग स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए जो बॉल्स होता है कॉटन बॉल्स जो कॉटन फ्रूट होता है उसका प्री मैच्योर ओपनिंग हो जाता है। और अभी इसके लिए क्या होता है, लिंट जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं डिसकलरेशन, इसीलिए पुअर लिंट हो जाता है, इसलिए मार्केट वैल्यू भी एज इट इज कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब खरीदते भी तो प्योर व्हाइट कपास ही हम लोग यूज करते हैं, कोई लिंट अगर स्टेंट हो जाए तो उसको हम लोग नहीं खरीदेंगे ना। तो इसी के साथ अभी ये भी एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, हम लोगों के लिए भी ये ऑनर की बात है कि इसी चैनल के कुछ कुछ सब्सक्राइबर थे वो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पिछले साल के एग्जाम्स में मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव जूनियर असिस्टेंट जनरल, मतलब तीनों का देखो वेराइटी देखो, तीनों टाइप का जॉब में सिलेक्शन हो गया है। तो इसलिए अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप नंबर में बाद में ही बोलूंगी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर भी है कॉन्टेक्ट नंबर। तो नेक्स्ट हम लोग आएंगे जो कॉटन अमेरिकन बॉल वर्म और बोला जाएगा फ्रूट बोरर, इसका साइंटिफिक नेम है हेलिकोबर पारमिजर, जैसे आप देखते हैं सर्कुलर रेगुलर एक होल जैसा हो रहा है फ्रूट के ऊपर सरफेस में। इसके भी इन्फेक्टेड स्टेज होगा एग लार्वा प्यूपा एडल्ट, चारों स्टेज में डैमेजिंग होता है। मोड ऑफ डैमेज सेम होता है कि सीड कर्नल में फीड करते हैं, उसके बाद डिसकलरेशन, उसके बाद जो फ्रूटिंग बॉडीज का एक्सेसिव शेडिंग हो जाएगा। सिम्टम्स में जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में जो फ्रूट के जो सरफेस में बॉडी में रेगुलर सर्कुलर ऐसे बोर होल्स हो जाता है, तो इसी तरह जो लार्वा फीडिंग करता है इसी
इसमें इसका मैनेज कैसे करें, इसका मैनेजमेंट अमेरिकन बॉलवर्म में कोई एक एक पुश एक एक पेस्ट के एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले जो जो हम लोग बोले पिंक बॉलवर्म और जो स्पॉटेड बॉलवर्म, दोनों का सिम्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अमेरिकन बॉलवर्म का मतलब मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसे हम लोग बीटी का कोई भी वेराइटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एज इंसेक्टिसाइड कार्बराइल यूज़ कर सकते हैं, न्यूक्लियर पॉलीहीड्रोसिस वायरस हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको मैनेजमेंट के लिए, और भी दूसरा कुछ कोई भी बीटी कॉटन वेराइटीज़ और शॉर्ट ड्यूरेशनल कॉटन वेराइटीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड जितने भी इंसेक्टिसाइड जो सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड ग्रुप का हो उसको यूज़ करना हम लोग अवॉइड करना पड़ेगा। इरिगेशन प्रोग्राम मतलब जुडिशियस इरिगेशन प्रोग्राम हमको प्लानिंग करके फिर देना होगा स्टेज बाय स्टेज। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को भी एक्सेसिव नहीं देना चाहिए, जितना चाहिए ऑप्टिमाइज यूज़ करना पड़ेगा। मोनोक्रॉपिंग अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि इसका होस्ट है कॉटन, अगर हम लोग इसका दूसरे कोई अल्टरनेट और इंटरक्रॉप यूज़ कर सकते हैं तो अच्छा ही होगा। इसी तरह रेटोनिन जो मतलब जो प्लांट डेब्रिस है उसको हम लोग को बर्न कर देना चाहिए था, नहीं तो लार्वा या कुछ भी प्यूपा एग उसमें रह जाएगा, उसके बाद फिर से वो ग्रो अप करके इन्फेक्ट कर सकता है नेक्स्ट क्रॉपिंग में। तो और भी हम लोग इसके इस पेस्ट का जो प्रिडेटर है उसको क्राइसोपर्ला कॉर्निया इसको हम लोग यूज करते हैं। नेचुरल एनिमी स्ट्रांग है तो इसके हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। और जो एक पैरासिटॉइड है चेरोनास ब्लैक बर्नी को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल से भी इस डिजीज को टू सम एक्सटेंट हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को हम लोग डैमेज नहीं करने देंगे। इसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होगा 1 egg or 1 larva पर प्लांट इसके हिसाब से। और जैसे मैं अभी बोल रही थी ये मोनोक्रॉपिंग और मोनोक्रॉपिंग हो गया, रेटोनिन को अवॉइड करने के लिए हम लोग इंटरक्रॉप और अल्टरनेट क्रॉप और बॉर्डर क्रॉप यूज कर सकते। कौन सी क्रॉप को हम लोग यूज करेंगे जो इस क्रॉप इस पेस्ट का होस्ट नहीं होगा, जैसे ग्रीन ग्राम ब्लैक ग्राम सोयाबीन कैस्टर ये सब को हम लोग यूज करेंगे कल्टिवेशन से। इसका होस्ट नहीं मिलेगा तो लार्वा पीपा जो भी है वो खुद खुद स्टार्वेशन करके मर जाएगा। अब हम लोग आते हैं मीट स्टेज पेस्ट। अभी तक जो हम लोग वो लास्ट स्टेज ऑफ कटन मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिस्ट्रक्टिव है। अब मिड स्टेज में हम लोग का दो, एक है लीफ रोलर और एक है स्टेम वीवल। तो नाम से पता चल रहा है ये लीफ का अटैक इन्फेस्ट करेगा और जो स्टेम वीवल वो स्टेम की इन्फेस्ट करेगा। दोनों ही स्पोराडिक पेस्ट है। लीफ रोलर पर्टिकुलरली स्पोराडिक पेस्ट होगा अंडर हाई ह्यूमिडिटी और जो स्टेम वीवल है ये स्पोराडिक पेस्ट है मतलब तमिलनाडु में, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बोडियन कॉटन भी कल्टिवेशन होता है उस टाइम में और उसी कॉटन के टाइप में एंडेमिक पेस्ट जैसे ये बिहेव करते हैं। और सिम्टम्स में इसका नाम बोला लीफ रोलर मतलब रोलिंग ऑफ लीव्स इन ट्रम्पेट्स फॉर्म फैसन बाय द सिल्कन थ्रेड। सबको पता है जो इस जो पेस्ट है उसका जो सिल्कन थ्रेड है वो जैसे पहले पिक्चर में हम देखे थे लीफ को जो लार्वा वोरासियस फीडर है उसको फीडिंग करने से एजेस को मार्जिन लीफ मार्जिन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसी तरह लीफ रोलिंग हो जाता है तो ट्रम्पेट फॉर्म ले लेते हैं। और स्टेम वीवल में तो उसका स्टेम का स्वेलिंग हो जाता है और जो यंग प्लांट्स है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है। ओल्डर प्लांट्स भी इफेक्टेड होता है मगर ओल्डर प्लांट जैसे पुराना होगा उसका थोड़ा स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, मगर इस अगर स्टेम वीवल इन्फेस्ट करता है तो डे बाई डे क्या होगा उसका भी स्ट्रेंथ विगर वो लॉस हो जाएगा। अगर कोई सडन जोर से हवा देगा तो अगर कोई स्टॉर्म आएगा तो तब वो गिर जाएगा, वो उसका वो प्लांट मर जाएगा। तो इन्फेक्टिंग स्टेज दोनों का ही सेम है, लार्वा है और एडल्ट है। तो इन्फेक्टिंग स्टेजेस को भी आपको याद करना पड़ेगा। स्टेम वीवल के लिए जो लार्वा ये आइडेंटिफाई करेंगे एपोडस मतलब कोई लेग्स नहीं रहेगा। और एडल्ट मैनेजमेंट दोनों का थोड़ा अलग है कि लीफ रोलर के हम लोग यूज़ करेंगे हैंड पिकिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैटरपिलर्स मतलब जो लार्वा और डिस्ट्रक्शन ऑफ सेडेड प्लांट पार्ट्स। ट्राइकोग्रामा हम लोग यूज़ करेंगे एक पैरासिटॉइड। और जो नेचुरल एनिमी है तो ब्रेकॉन और जैंथो पिम्पला स्पीशीज का हम लोग यूज़ करेंगे नेचुरल एनिमी। और जो स्टेम वीवल के लिए हम लोग FYM और नीम के बेसल अप्लाई करेंगे। और जो सीड ट्रीटमेंट के लिए क्रोपाइडिफॉस का हम लोग यूज़ करेंगे। और जो कॉलर रिजियन ड्रेंचिंग होता है ड्रेंचिंग स्टेम वीवल में बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसका ETL होता है 10% इन्फेस्टेड प्लांट। जब एक
पूरा फील्ड में इन्फेस्टेड प्लांट का परसेंटेज 10% से ज़्यादा हो जाएगा टोटल प्लांट से, तभी हम लोग उसको बोलेंगे एटीआर इकोनॉमिक रिसर्च में कैलकुलेट कर लेंगे। अब हो जाएगा सिलसिला सकिंग पेस्ट ऑफ कॉटन, कॉटन में जो सकिंग पेस्ट उसमें आएगा पहले जैसिड, जैसिड मतलब अमरस का बिगुटुल्ला, तो इसका पिक्चर आप देख सकते हो कैसा होता है जैसिड, आप रिलेट कर पाओगे अगर पिक्चर के साथ आप लोग पढ़ोगे। इसका भी इन्फेक्टेड स्टेज होगा नीम्फ जो वेज शेप्ड होगा, और जो एडल्ट वो होगा विंग्ड फॉर्म। ये इस आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर को भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मोड ऑफ डैमेज हो जाएगा डिसैपिंग, मतलब सेम है लीफ, लीफ में लीफ से जो न्यूट्रिएंट्स होगा उसको सक कर लेते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे डिसैपिंग। और जो और इसी इसके बॉडी से कुछ टॉक्सिंस क्रॉप प्लांट में इंजेक्ट कर देता है। और सिम्टम्स में होगा क्योंकि इसका न्यूट्रिएंट्स चला जा रहा है प्लांट से, तो एज यूजुअल लीफ का जो योलोइंग हो जाएगा, और जो लीफ का डाउनवर्ड कर्लिंग और कपिंग, अब जिस जो भी टर्म यूज कर लो, वो लीफ का जो डाउनवर्ड नीचे की तरह कर्लिंग हो जाएगा। तो इसके हिसाब से फोटोसिंथेसिस भी हैम्पर्ड होता है, क्योंकि जो लीफ से ही फोटोसिंथेसिस होगा, लीफ अगर लीफ में ही योलोइंग हो जाएगा, ग्रीन पिगमेंट नहीं जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। अब मैनेजमेंट में होगा, मैनेजमेंट कैसे कर पाएंगे, डाइमिथाइड इंसेक्टिसाइड, इमिडाक्लोप्रिड और थायोमेथोक्सम, ये सब हम लोग कर सकते हैं। इसमें जो GAI ये होगा ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टर, तो 75 ग्राम 45 ग्राम करके हम लोग अप्लाई करेंगे। और एक होता है व्हाइट फ्लाई, आप पिक्चर से भी देख सकते हो, बेबीसी और टैबा की, इसका भी इन्फेक्टेड स्टेज होगा नीम्फ एंड एडल्ट। मोड ऑफ डैमेज सेम है, टिपिकल एपिकल जो लीव्स होते हैं, एपिकल लीव से डिसैपिंग होता है, मतलब लीव से ये दोनों अटैक करते हैं लीव को। सिम्टम्स में होगा हनीड्यू एक्सक्रीशन, जो एडल्ट है एडल्ट से जो एक्सक्रीट करते हैं वो हनीड्यू की तरह है, और हनीड्यू एक्सक्रीशन के वो एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसके हिसाब से लीव में शूटी मोल्ड जैसा कुछ फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लैक कलर का शूटी मोल्ड हो जाता है। इसके इसके लिए भी फोटोसिंथेसिस जो वगैरह जो बाकी सब लीव में जो बाकी फेनोमेना होता है वो सब डैमेज होता है। मैनेजमेंट करेंगे सेम ही डाइमिथर से, इमिडाक्लोप्रिड से, थायोमेथोक्सम से। और इस व्हाइट फ्लाई जो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसी के, व्हाइट फ्लाई कुछ वायरल डिजीज को भी ट्रांसमिट करते हैं, तो उसके हिसाब से होगा टोबैको का लीफ कर्ल, ओकरा में वेन कर्लिंग, सीसे में लीफ कर्ल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाइट फ्लाई जो बेबी से टैबा की उसका वो है पॉलीफेगस पेस्ट, कैसे पता चले, क्योंकि ये देखो टोबैको, ओकरा, सीसम, ये सब क्रॉप प्लांट है, सिर्फ कॉटन में ये इसके इन्फेस्टेशन लिमिटेड नहीं है, बाकी सब प्लांट में भी ये ट्रांसमिट कर रहा है, तो इसका पेस्ट जो होस्ट रेंज वो पॉलीफेगस है। और जो स्पॉटेड बॉलवर्म है वो ये है कॉटन का की पेस्ट। तो माइनर पेस्ट ऑफ कॉटन में और भी माइनर पेस्ट मतलब जो डैमेजिंग हो रहा है उसका परसेंटेज थोड़ा कम होता है, मगर फिर भी कॉटन का ग्रोथ या डैमेज तो होता है। तो उसमें होगा एफिड और थ्रिप्स, एफिड और एफिस गॉसिपी, थ्रिप्स थ्रिप्स टैबा की, साइंटिफिक नेम बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो सिम्टम में होगा ब्लाइटेड अपियरेंस और ब्लैक शूटिंग मोल्ड, एफिड में सेम तरह की डिसैपिंग हो रहा है, थ्रिप्स में भी, थ्रिप्स में क्या होगा एक सिल्वरी साइन ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ द लीफ, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, लीफ पे जो अंडर सर्फेस में थोड़ा सिल्वरी साइन जैसे होता है। इन्फेक्टिंग स्टेज दोनों के नीम्फ और एडल्ट है, मैनेजमेंट कर पाएंगे दोनों के सीड ट्रीटमेंट के तरह, सीड ट्रीटमेंट अगर हम लोग कर दे तो टू सम एक्सटेंट हम लोग इस डैमेज को प्रिवेंट कर पाएंगे। इसके एफिड के लिए जो ETL होता है वो होगा 15% ऑफ द इन्फेस्टेड प्लांट, और जो चिप्स के लिए वो होगा 50 नीम फॉर एडल्ट पर 50 लीव्स, मतलब 50 लीव्स जो है कॉटन का जो लीव्स होगा उसमें अगर नीम फॉर एडल्ट 50 तक होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ETL लेवल में पहुंच गए हैं। तो इसी तरह आज हम आज के जो लेक्चर में यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। तो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, अगर इस वीडियो को आपको पसंद आए तो मैं बोलूँगी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह इस वीडियो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी अच्छे से अच्छा मटेरियल्स लेके मैं आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।